हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में नए चैप्टर के संबंध में, जिसका नाम है भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। और इसमें हम पढ़ेंगे भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बारे में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे, सजीव जगत से जुड़े हुए, आश्रय से जुड़े हुए, तो उनको भी देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो जानेंगे सबसे पहले भोजन क्या है। देखिए, भोजन ऐसा खाद्य पदार्थ होता है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है, उनके शरीर की मरम्मत करता है और वृद्धि करता है। तो भोजन ऐसा खाद्य पदार्थ है जो जीवों को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, भोजन के आधार पर जीवों को जो है निम्न भागों में बांटा जाता है, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। आइए जान लेते हैं उनको भी। देखिए, शाकाहारी वे जीव होते हैं जो पेड़ पौधे के भागों को खाते हैं, जैसे गाय, बैल, हिरण, हाथी, बकरी आदि। आपने देखा होगा जो शाकाहारी होते हैं वो क्या खाते हैं, हरी घास खाते हैं, पेड़ पौधे के भाग खाते हैं, जैसे पत्ती हो गई, फूल हो गए। तो शाकाहारी वे जीव होते हैं जो केवल पौधे या पौधे के किसी भाग को खाते हैं। ठीक है, मांसाहारी कौन से जानवर होते हैं। देखिए, मांसाहारी वो जानवर होते हैं जो जानवरों के मांस को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी, तेंदुआ, मेढक, छिपकली, चील आदि। ये जीवों का शिकार करके जीवों को खाते हैं, आपको पता ही है। अगला जो पॉइंट लिखा गया है गिद्ध के बारे में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, स्केवेंजर लिखा जाता है एग्जाम में। स्केवेंजर किसे कहा जाता है, सीधे आपको एग्जाम्पल में, यानी देखिए आपको प्रश्न दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा ऐसा जानवर है जो स्केवेंजर है। तो गिद्ध, गिद्ध सिर्फ ऐसे मर, देखिए गिद्ध जो है सिर्फ मरे हुए जानवरों को खाता है, इसीलिए इसे जो है मृतोपजीवी या स्केवेंजर कहते हैं। अन्य मृतोपजीवी होते हैं जैसे सियार, जीवाणु और कवक। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, स्केवेंजर वो होते हैं जो मृत जीवों को खाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा सर्वाहारी। ये वो जीव होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, यानी ये हरी भरी चीज़ें भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, कौवा हो गया, गिलहरी हो गया, कॉकरोच, कुत्ता, बिल्ली आदि। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्या, भोजन के आधार पर ग्रहण करने वाले कि कितने टाइप के जो है हमारे उपभोक्ता होते हैं, जैसे शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी। ठीक है, अब देखेंगे भोजन के घटक। देखिए, भोजन से हमें वे सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि विकास में सहायता प्रदान करती हैं और हमें स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं, ये होती हैं घटक। ठीक है, भोजन में निम्न घटक होते हैं जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, आहारी रेशे, जल और खनिज। इस वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1। ठीक है, और 1 ग्राम ग्लूकोज या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। शर्करा के अणुओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। आइए इनको भी जान लेते हैं। मोनोसैकेराइड क्या होता है, यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है। इसमें शर्करा का 1 अणु होता है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। फ्रक्टोज जो होती है वो सबसे मीठी शर्करा होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये फलों में पाई जाती है। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड जो है 2 से 10 शर्करा अणुओं से मिलकर बना होता है, या कह सकते हैं 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। इसके उदाहरण होते हैं माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। शर्करा के अणुओं के आधार पर इन्हें डाईसैकेराइड और ट्राईसैकेराइड कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 शर्करा के अणु हैं तो डाईसैकेराइड, 3 हैं तो ट्राईसैकेराइड। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, देखिए ऐसे सैकेराइड्स यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 10 से 1000 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन। ठीक है, तो ये होते हैं प्रकार।
आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या हैं। देखिए पहला पॉइंट है ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना, यानी शरीर को ऊर्जा देना। और कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे कोई भी आपने देखा होगा क्रिकेट का प्लेयर होता है बीच बीच में ड्रिंक पीता है, तो वो क्या पीता है, वो ग्लूकोज पीता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर में भोजन संचयन की तरह कार्य करता है। न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। जंतुओं के बाह्य कंकाल के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम आदि। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट से एग्ज़ाम में प्रश्न क्या बनता है मैं आपको बता दूं। पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें तुरंत एनर्जी देती है, तो आपको ऑप्शन में ग्लूकोज दिया होगा या कार्बोहाइड्रेट दिया होगा, तो वो ऑप्शन आपको टिक करना होगा। ठीक है, और सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज होती है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगला है हमारा प्रोटीन। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में पढ़ेंगे, तो दूसरा हमारा पॉइंट है प्रोटीन। देखिए प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जे बर्जिलस ने किया था। एग्जाम में पूछा जाता है प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जे बर्जिलस ने किया था। ठीक है, यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, और मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो है किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। सभी प्रोटीन में क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। ऊर्जा उत्पादन, शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी है। सबसे पहला पॉइंट है प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, जे बर्जिलस ने किया। देखिए यह जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, अमीनो अम्लों से मिलकर कौन बना होता है, प्रोटीन बना होता है। ठीक है, मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, सभी प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत के लिए प्रोटीन उत्तरदायी है। देखिए बॉडी बिल्डिंग और एथलीट अपनी मांसपेशियों को विकसित करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन का सेवन करते हैं। आगे लिखा है मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं कर लेता है, और जो 10 शेष प्रोटीन मिलते हैं वो भोजन से प्राप्त होते हैं। तो ये तो थोड़ा सा ऐसे ही ब्रीफ जानकारी होती है। अब जानेंगे प्रोटीन के प्रकार के बारे में। देखिए प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक आपका सरल होता है, दूसरा आपका संयुग्मी होता है, क्या होता है, संयुग्मी होता है, और तीसरा आपका होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, तो इनके बारे में जानेंगे। देखिए सरल प्रोटीन क्या है, वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्लों के बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे उदाहरण में एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन। ठीक है, संयुग्मी प्रोटीन क्या है, वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह जुड़ा होता है वे संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। तीसरा है हमारा व्युत्पन्न प्रोटीन, वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं, उदाहरण प्रोटीन्स, पेप्टॉन और पेप्टाइड। ठीक है, आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जिलस ने किया था, और जो प्रोटीन होते हैं एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, शरीर को मजबूत रखने के लिए बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, जो भार उठाते हैं, जो एथलीट होते हैं, अपनी मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए प्रोटीन का सेवन करते हैं। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, देखिए ये कोशिकाओं, जीव द्रव्य, ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं, ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, इनकी कमी से शरीर का विकास रुक जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासियोर्कर और मेरास्मस रोग हो जाता है। क्वासियोर्कर रोग में क्या होता है कि बच्चे के हाथ पैर दुबले होते हैं और पेट जो है बाहर निकल आता है। मेरास्मस रोग में क्या होता है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है आवश्यकता पड़ने पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये जैव उत्प्रेरक, जैविक नियंत्रक के रूप में भी कार्य करते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण और संवहन में भी ये सहायक होते हैं। प्रोटीन जो है दूध में, मछली में, अंडा में, यकृत में, चना और सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि
सर्वाधिक प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाई जाती है और इसका परसेंटेज होता है 42, यानी सोयाबीन में जो है 42% जो है क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा था कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो सोयाबीन, दाल में, चने में, इनमें पाई जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अब जानेंगे वसा के बारे में। देखिए वसा क्या है, वसा ग्लिसराल एवं वसी अम्लों का एस्टर होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। जंतु वसा अर्ध ठोस, वनस्पतिक वसा तरल रूप में पाई जाती है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 34 किलोजूल या 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। और वसा से जो है हमारे शरीर को सबसे अधिक मात्रा में जो है ऊर्जा प्रदान होती है। एग्ज़ाम में ऑप्शन दिया होगा कि निम्न में से सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है, वसा, प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट, तो आपको क्या बताना है, वसा यानी फैट। ठीक है, वसा जल में अविलेय, देखिए वसा जल में अविलेय एसीटोन, बेंजीन और क्लोरोफार्म में विलेय होता है। एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि वसा जो है जल में कैसी होती है, अविलेय होती है या विलेय होती है, तो अविलेय होती है, एसीटोन, बेंजीन और क्लोरोफार्म में विलेय होती है। वसा के स्रोत क्या हैं, देखिए घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंडा, मांस, वनस्पति तेल, ये जो हैं फैट के स्रोत होते हैं। कार्य क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के ताप नियमन, कोशिका कला के निर्माण आदि में सहायक होते हैं। ठीक है, वसा के कितने प्रकार होते हैं, देखिए वसा के 2 प्रकार होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा क्या है, कमरे के ताप पर ठोस जंतु वसा जो है संतृप्त वसा कहलाती है। कमरे का ताप होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कमरे के ताप पर जो ठोस होती है वो आपकी संतृप्त वसा होती है और ये जंतु वसा होती है, जैसे घी, मक्खन। ठीक है, लेकिन नारियल का तेल और ताड़ का तेल, ये जो है ये भी कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, संतृप्त वसा कहा जाता है, ये अपवाद हैं। ठीक है, नारियल का तेल और ताड़ का तेल ये क्या हैं, संतृप्त वसा हैं। ठीक है, अगली है हमारी असंतृप्त वसा। कमरे के ताप पर तरल, जो कमरे के ताप पर तरल होती है यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर जो है तरल होती है वो असंतृप्त वसा होती है और इसे वनस्पतिक वसा कहते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में सूरजमुखी का तेल, सरसों, जैतून का तेल। लेकिन मछली का तेल भी जो है क्या होता है, असंतृप्त वसा होता है, क्योंकि 25 डिग्री या कमरे के ताप पर ये तरल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है। यहीं पर आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में विटामिन के साथ, और भी पॉइंट्स जो बचे हुए हैं इस चैप्टर में, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू फ्रेंड्स।